मेकअप लुक जो कि मैंने बहुत ही इजीली ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, और जो जो प्रोडक्ट मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट करने में यूज़ किए हैं वो सारे इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं और इजीली आप लोगों के पास भी हैं। मैक्सिमम सब लोगों के पास ये प्रोडक्ट्स रहते ही हैं मेकअप के लिए, इजीली सबके पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल ही होंगे। मैंने ऐसा कोई भी प्रोडक्ट इसमें यूज़ नहीं किया है जो कि आपके पास ना हो। और चलिए मैं जल्दी से दिखा देती हूँ मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है। और ये जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं ये अंडर 100 या 150 के अंदर ही हैं, कुछ भी प्रोडक्ट मैंने एक्सपेंसिव यूज़ नहीं किया है। मैं चाहती थी जो मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इसलिए क्योंकि ये वेरी अफोर्डेबल मेकअप और कुछ भी प्रोडक्ट ऐसा मैंने यूज़ नहीं किया है जो भी है। चलो जल्दी से देख लेते हैं। और वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ चलिए जल्दी से वीडियो देख लेते हैं। चलिए मैं अपना मेकअप शुरू करती हूँ। जो मैं फर्स्ट चीज़ यूज़ करूँगी वो है निव्या क्रीम अपनी स्किन को मॉइस्चराइजर करने के लिए। ये हर किसी के पास इजीली अवेलेबल होती है, आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप निविया का यूज़ करें, आप अपने फेस पे जो मर्जी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी एलोवेरा जेल एज ए प्राइमर, मैं इसको यूज़ करूँगी। ये है पतंजलि का एलोवेरा जेल, और ऐसा नहीं है कि आपको पतंजलि का एलोवेरा जेल ही यूज़ करना है, आप जो भी आपके पास हो एलोवेरा जेल होना चाहिए बस आप उसे यूज़ कर सकते हो एज ए प्राइमर, अगर आपके पास प्राइमर ना हो तो। और इसे अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगाइए। मैं यूज़ करूँगी लैक्मी परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन, ये भी इजीली सबके पास ही अवेलेबल होता है। और इसे मैं थोड़ा सा अपने हैंड में ले लूंगी। फाउंडेशन को मैं इस ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से अपने फेस पे ब्लेंड कर लूंगी डैब डैब मोशन में। आप देख सकते हैं मैंने फाउंडेशन को अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है अपने पूरे फेस पे। अगर आपके पास कंसीलर ना हो तो आप अपने फाउंडेशन को दोबारा से अपने अंडर आई एरिया में लगा सकते हैं। इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इससे आपका अंडर आई एरिया हाईलाइट लगे। हम यूज करेंगे कॉम्पैक्ट, और मैं NYP का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ। जरूरी नहीं है कि आपको भी NYP का करना है, आप लैक्मी, मेवलिन, आप कोई भी कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हैं। फाउंडेशन के बाद कॉम्पैक्ट लगाना बहुत जरूरी होता है, इससे आपका फाउंडेशन सेट हो जाता है। नेक्स्ट मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूंगी, और मैं NYP का आईब्रोज पेंसिल इससे अपनी आईब्रोज को फिल करूंगी। मैं यूज करूंगी क्यूमिडाई का आई शेडो पैलेट, ये है क्यूमिडाई का आई शेडो पैलेट, और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है और इसका प्राइस ओनली 65 रुपीज है, और मैं ये वाला आई शेडो यूज कर रही हूँ आज इस लुक को कंप्लीट करने के लिए। मैं इसी ब्रश से ये वाला आई शेडो यूज करूंगी, और जो मैं फर्स्टली शेड यूज कर रही हूँ ये वाला।
ये वाला आई शेडो बहुत पाउडरी सा है। और नेक्स्ट मैं ये वाला शेड यूज कर रही हूँ पिंक, और इसे मैं अपनी आईज की इनर कॉर्नर से थोड़ा सा ही लगा लूंगी, पूरी आईलेट पे नहीं यूज करूंगी इस शेड को। नेक्स्ट मैं ये वाला व्हाइट शेड यूज करूंगी अपनी आईज पे, अपनी आईज के इनर कॉर्नर पे। व्हाइट शेड मैं अपनी आईब्रोज के नीचे थोड़ा सा यूज कर लूंगी, इससे मेरा आई शेडो हाईलाइट लगे थोड़ा। ऐसे यूज करूंगी लैक्मे का आई लाइनर, ये भी इजीली सबके पास ही रहता है। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी ब्लू हेवन का मस्कारा, लास्ट में लगाऊंगी लिपस्टिक एलेटिन की, और इसमें मैं शेड लगा रही हूँ B23, और ये भी इजीली सबके पास ही अवेलेबल।